प्रथम तहलका न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में आज के दिन किसानों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का ये प्रदर्शन आज के दिन प्रदेश में देखने को मिल रहा है और पूरे प्रदेश से चक्का जाम की ऐसी ही तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो टोहाना और अम्बाला से सामने आई है, जहाँ किसानों ने हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। बात अगर टोहाना की करें तो यहाँ हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया गया है और सरकार के खिलाफ जमकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तो वही बात अगर अम्बाला की करें तो दूसरी तस्वीर अम्बाला की है, जहाँ पर किसानों ने जनता से माफी मांगी है। हाईवे जाम करने को लेकर किसान जनता से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि 3 घंटे की ये समस्या आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दे कि प्रदेश में आज के दिन किसानों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है। दरअसल ये किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से चक्का जाम की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वो टोहाना और अम्बाला से सामने आ रही है, जहां किसान हाईवे जाम कर ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। हिसार चंडीगढ़ रोड पर टोहाना में जाम लगा दिया गया है और सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही है। तो वही बात अगर अम्बाला की करे तो यहां के किसानों ने जनता से माफी मांगी है। हाईवे जाम करने को लेकर वे जनता से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि 3 घंटे की ये समस्या आने वाले भविष्य के लिए बेहतर होगी। मैं आपके माध्यम से हमारी जनता से माफी मांगता हूं और माफी इसलिए है कि 3 घंटे के लिए उनके असुविधा होगी, मैं उसके लिए उनसे माफी मांगता हूं। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपका यह 3 घंटे का जाम इस गुंगी बैली सरकार को एक संदेश देने का माध्यम है और हमारा किसी को परेशान करने का कोई सुबह 12 से 3 तक पूरे देश के अंदर चक्का जाम रहेगा। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, MSP फसल खरीद गारंटी का कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक किसान का आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ फैला हुआ है। इस आंदोलन का ये एक आज का हिस्सा है। इस हिस्से के तहत जो संयुक्त मोर्चा की तरफ से बात दी गई थी 12 से 3 बजे तक का पूर्ण रूप से पूरे देश के अंदर इमरजेंसी होगी। आपके सामने अभी एम्बुलेंस गुजरी है, किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। कोई जरूरी कार्य करने वाला, किसी का जरूरी इमरजेंसी है, बगैर एम्बुलेंस के भी उस किसान साथी के द्वारा अन्य जन को भी जाने दिया जाएगा। बाकी जो सरकारी बस है या अन्य साधन है, ट्रैक्टर वगैरह है, उन सभी को रोक दिया जाएगा 3 बजे तक।